और माया एंजिलो तो राइट आंसर है वर्जीनिया वुल्फ वर्जीनिया वुल्फ वाज बोर्न इन वर्जीनिया वुल्फ कब पैदा हुई थी 1880 1881 1882 1883 सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी एटीन एटी टू दीपल रीच दी लोग कहाँ पहुंच गए बूस्टन रेलवे स्टेशन यूस्टन रेलवे स्टेशन म्यामी रेलवे स्टेशन कैंत्र रेलवे स्टेशन तो लोग कहाँ पहुंचे थे किस रेलवे स्टेशन पर ऑप्शन बी यूस्टन रेलवे स्टेशन तमाम लोग यूस्टन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए ताकि नॉर्थ की जानब चलें और एकप्स का मुजाहरा देखें अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल टू दी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने सफ़र किया किस जानेब ईस्ट मशरक की जानब वेस्ट मगरब की जानब नॉर्थ शुमाल की जानब और साउथ जनूब की जानेब द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नॉर्थ दी इक्लिप्स टुक प्लेस इन विच कंट्री इक्लिप्स जो है वो किस मुल्क में ये वाक्य पेश आया इक्लिप्स वाला इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी अमेरिका सो राइट आंसर इज इंग्लैंड ऑल द पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू अ पर्टिकुलर डैश इन द नॉर्थ तमाम लोग तैयार हो रहे थे ताकि शुमाल की जानब एक मखसूस जगह पर इकट्ठे हों तो वो कौन सी जगह थी माउंटेन पहाड़ स्काई आसमान हिल पहाड़ी नन इन तीनों में से कोई जवाब दुरुस्त नहीं सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी हिल पहाड़ी की जानब लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे सोलर इक्लेप्स टुक प्लेस ऑन अ सर्टन डैश मॉर्निंग सोलर इक्लिप्स यानी सूरज गिरन किस महीने की मखसूस सुबह को हुआ था मई जून जुलाई अगस्त सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जून जून के महीने का ये वाक्य है द पीपल बिगेन टू लुक एट सन थ्रू देयर लोगों ने सूरज की तरफ देखना शुरू कर दिया किसके जरिए से आईज आँखों से ग्लासेस चश्मों से एंड बी दोनों ए और बी यानी आईज और ग्लासेस और ऑप्शन डी है नन यानी इन तीनों में से कोई जवाब दुरुस्त नहीं सो so द राइट right आंसर इज ऑप्शन बी ग्लासेस लोगों ने ग्लासेस के जरिए सूरज की तरफ देखना शुरू किया द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सोलर एक्लिप्स वॉज डैश सेकेंड सोलर एक्लिप्स यानी सूरज गिरन का कुल दौरानिया कितने सेकेंड का था ट्वेंटी टू सेकेंड ट्वेंटी थ्री सेकेंड ट्वेंटी फोर सेकेंड या फिर ट्वेंटी फाइव सेकेंड सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ट्वेंटी फोर सेकेंड द रिवर एंड फील्ड्स वर दरिया और मैदान कैसे थे वाटरलेस बे आब लाइट बे नूर कलर लेस बे रंग शेडो लेस बेसाया सो द राइट ऑप्शन इज सी कलर लेस बे रंग तमाम चीजें जिनमें दरिया और खेत शामिल थे मैदान शामिल थे वो बेरंग हो चुके थे ऑल द पीपल रियलाइज तमाम लोगों ने महसूस किया दैट द सन वॉज बींग सूरज के साथ क्या हो रहा है Defeated, उसे शिकस्त हो रही है Reached, वो पहुँच चुका है Shadowed, उसका साया हो चुका है कलर्ड उस पर रंग चढ़ गया है सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए defeated. लोगों ने ये महसूस किया कि सन वाज बीइंग डिफीटेड सूरज को शिकस्त हो रही है वो जो बादलों का और सूरज का मुकाबला था तो उसमें उसको शिकस्त हो चुकी है द सन लुक लाइक आर डैश हैंगिंग इन द स्काई सूरज आसमान पर डैश की तरह लटक रहा था किसकी तरह बैलून वेनबो कोस कज़ा एयरप्लेन हवाई जहाज़ स्केलेटन ढांचा राइट right ऑप्शन इज ऑप्शन डी स्केलेटन तो सूरज जो था वो आसमान पर एक ढांचे की तरह दिखाई दे रहा था वैन द सन री गेंड स्ट्रेंथ जब सूरज ने दोबारा अपनी ताकत हासिल कर, कर ली पीपल बी केम तो लोग हुए क्या हुए थ्रिल्ड बहुत पुरजोश हुए हैप्पी खुश हुए नॉइजी उन्होंने शोर गुल किया सैड या वो परेशान हो गए तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हैप्पी सूरज किरण के बाद सूर्य ने दोबारा जब ताकत हासिल कर ली तो लोग बहुत खुश हुए देर रिलेशन विद एवरी थिंग वॉज डैश एंड यूनिक लोगों का ताल्लुक हर चीज के साथ मुनफरिद और डैश था क्या था गुड अच्छा बैड बुरा न्यू नया ओल्ड पुराना सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी न्यू